नेक्स्ट वी हैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल मस्ट बी रिमेम्बर्ड। मस्ट बी रिमेम्बर्ड इसलिए लिख दिया कि अगर आप याद रख पाओ तो रख लो, अगर याद रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारा सेव हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो भी इस तरह के प्रॉब्लम है जिसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज कर रहे हैं उसको हम विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास में जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता था, जिसको डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स जो होता था अपने पास में, इसको हम कैसे डिफाइन करते थे, तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास में डी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो कि एफ को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और मल्टीप्लाई कर दो फिर उससे उसको डी एक्स एलिमेंट से, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में डिफरेंशियल कोफिशियंट या फिर डिफरेंशियल एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, जो हमारे पास में जो यूज है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इसका यूज है वो हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो अगर आपको ये याद है कि इसको हम ये लिख सकते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, तो कुछ जो है वो ध्यान में रख लिया। जैसे कि डी ऑफ एक्स वाई जो है, तो डी ऑफ एक्स वाई में एक्स वाई का आप पहले डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो एक्स वाई का आपने डिफरेंशिएशन किया तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर वाई और एक्स तो एज इट इज हो गया वन हो गया उसका तो, एंड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया देखो आप एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनको याद रख सकते हो कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जो है वो डी ऑफ एक्स वाई होगा। बट मेन मुद्दा ये है कि अगर ये लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x प्लस 2y dy by dx एंड मल्टीप्लाइड बाई dx। पहले इसको आपने डिफरेंशिएट किया फिर dx एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x dx और ये dx dx कैंसिल तो 2y dy। तो अगर कहीं पर आपके पास में x dx प्लस y dy लिखा हुआ है तो इसको आप हाफ ऑफ d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हो, क्लियर है बात। सिमिलरली अगर d ऑफ x अपॉन y है, ठीक है, तो d ऑफ x अपॉन y को अगर आपको ये प्रूव करना है तो देखो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है तो x अपॉन y का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन पहले करो, ठीक है। तो y एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस अभी x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन इज dy वाई बाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप dx से तो क्या आ जाएगा y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो देखो यही आ गया, ठीक है बात। सिमिलरली यहाँ पर x अपॉन y, यहाँ पर y अपॉन x है तो डिनोमिनेटर में x आ जाएगा और x पहले लिखोगे फिर dy लिखोगे फिर माइनस ऑफ y dx लिख दोगे। इसी तरह से d ऑफ ln ऑफ x प्लस y, तो अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है, ठीक है बात। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और फिर इसका डिफरेंशिएशन सो दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स अंदर गया तो ये डी एक्स बन गया और ये डी वाई ये डी एक्स गायब हो गया, तो यही बन गया अपने पास में, क्लियर है बात। तो ये कुछ रिजल्ट अगर हम याद रखें तो इन्हीं से जो है हम बाकी भी इवेलुएट कर सकते हैं, ओके। सो लेट से अब डी ऑफ एल एन ऑफ वाई बाई एक्स की बात हो रही है तो आपने क्या किया यहाँ पर एल एन ऑफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया पहले तो आपने डैश, तो वो क्या आ गया वन अपॉन ये आ जाएगा वन अपॉन वाई बाई एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई इसका डिफरेंशिएशन, फिर वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और डी एक्स, फिर ये डी एक्स अंदर आया, ये डी एक्स अंदर आया तो ये वाई डी वाई ये डी एक्स गया तो ये बन गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई है तो एक एक्स कैंसिल हो गया तो नीचे में क्या आ गया एक्स वाई, ऊपर क्या आ गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो ये आ गया। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ से यहाँ पहुँचने का है, ठीक है बात। सिमिलरली अब आप देखो जैसे ये लिखा हुआ है, अब हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, मुद्दा ये है हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये आना चाहिए हमको क्योंकि इसी का यूज़ है,
तो फिर हमने क्या किया, यहां से अगर हमको यहां पहुंचना है तो हम ये बैक ट्रेस करना चाह रहे हैं, हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं क्या? तो देखो ये तो हमें पता है कि भाई यहां से यहां आना तो सिंपल है, डी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी एक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। अब यहां से यहां हम पहुंचना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने कुछ तो याद कर लिया था कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अगर हम कर दें, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास में डी ऑफ वाई बाई एक्स लिखा हुआ है, ये याद रख लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ वाई बाई एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाने के लिए डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी कर दिया, तो ये बन गया नीचे में क्या बन गया, एक्स स्क्वायर और इंटू वाई, तो वाई यहाँ लिख लिया। अब आप देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ दिस इज एक्स अपॉन वाई एंड डी ऑफ वाई बाई एक्स, तो इसको हमने लिख दिया डी ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन में वाई बाई एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में, देखो अब ये क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास में डी टी बाई टी, सो दैट इज एल एन ऑफ टी, और टी क्या है आपके पास में वाई बाई एक्स, तो ये आ गया आपके पास में एल एन ऑफ वाई बाई एक्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर है। तो बस इसी तरह से हम इन रिजल्ट को यूज करके बैक ट्रेस कर सकते हैं। अब यहां से यहां जाना चाह रहे हैं तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, और हमारे पास में लिखा हुआ है यहां से, यहां पर भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया डी ऑफ वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, विच इज सेम एज राइटिंग टेन इनवर्स ऑफ टी, और टी क्या है वाई बाई एक्स है, तो टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। तो कुछ रिजल्ट याद रखे, तो अगर आपके पास में कहीं पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा हुआ है तो इसको आप हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है बात, तो यह याद रख लिया बस। ओके, नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये जो लिखा हुआ है आपके पास में इसी को एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, और यहां से जो है ये लिखा हुआ है आपके पास में, और ये लिखा हुआ है आपके पास में एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहां से क्या किया अपन ने एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी ऑफ, दिस इज डी ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये पूरा इसको यहां से मिला के डी ऑफ वाई अपॉन एक्स एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है आपके पास में हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हट गया, और ये क्या आ गया डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी क्या होता है टेन इनवर्स टी, सो दिस इज टेन इनवर्स ऑफ टी, टी क्या है वाई बाई एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारे पास में आंसर। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नाउ वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस और सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहां पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनको पहले हमने एक साथ लिखा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में लेट से एक्स इंटू वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स बाहर है, ये वाई बाई एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स, फिर आ गया प्लस वाई बाई एक्स, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वाई बाई एक्स, और इंटू क्या आ गया डी एक्स, प्लस साइन वाई डी एक्स प्लस
x dy plus ln of x dy plus x cos y dy इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब कुछ टर्म्स जो हैं उनको अगर हम एक साथ लिख लें तो वहां से कुछ बन सकता है। तो y dx के साथ में हमने ये लिख लिया x dy, y dx plus x dy जो है ये हो जाएगा d of xy। ठीक है, प्लस यहां पर देखो y अपॉन x dx, तो y इंटू वन अपॉन x dx प्लस ln of x dy। अब आप देखो y इंटू ln of x, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो y एज इट इज और ln of x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x d ऑफ दिस, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास में ln x एज इट इज और dy by dx, फिर इसमें आप dx से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया y अपॉन x dx प्लस ln of x dy। तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है d ऑफ, ये लिखा हुआ है आपके पास में d ऑफ y इंटू ln x। ठीक है बात, प्लस फिर बाकी के जो टर्म बच गए ये बच गया आपके पास में sin y dx और ये बच गया आपके पास में x इंटू cos y dy। सो नाउ वी कैन राइट इट एज sin y dx प्लस x इंटू cos y dy इज इक्वल टू जीरो। अभी इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है आपके पास में x इंटू cos x इंटू sin y, x इंटू sin y का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। देखो एक बार x एज इट इज रखा और sin y का डिफरेंशिएशन इज cos y इंटू dy by dx प्लस sin y इंटू dx। ठीक है, तो sin y dx और x cos y dy जो है ये लिखा हुआ है d ऑफ x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर दो क्या आ गया एक्स वाई प्लस वाई एल एन एक्स प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की मदद से जो है ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। तो ये मेथड भी इफेक्टिव है अगर हमको ये रिजल्ट याद है तो, या फिर हम मैनिपुलेशन करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या किया यहां पर, सबसे पहले तो जो ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है इसको हमने लिख दिया हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एंड दिस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ में हमने क्या किया यहां पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से जो है थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे लिख दिया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड दिस इज, और क्या किया यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना रूट ओवर में वन माइनस दिस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सो नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये जो है ना ये वाला पार्ट इसको हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट गया अभी और यहाँ आ गया रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से आप देखो जो राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है इस पार्ट की अगर हम बात करें पहले इसको ही रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर और ऊपर में क्या लिख गया ये डी ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन में वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए टी पढ़ें तो दिस इज वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपके पास में दिस इज सिंपली टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स और चाहो तो प्लस सी यहीं लिख दो। अब इस पार्ट को वी वांट टू सॉल्व। ठीक है, अब इस पार्ट को सॉल्व करना है तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर कंसिडर कर लें
ये क्या बन गया, 1/2 डी ऑफ टी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया टी। हमने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, तो ये हो गया टी, और रूट ओवर में आ गया आपके पास में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1/2 और डी टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2t into dt, 2t into dt, एंड डिवाइडेड बाय दिस टी एंड रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब आप देखो ये क्या बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये टी से टी कैंसिल, तो डी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। सो दैट इज सिंपली वी हैव साइन इनवर्स ऑफ टी। तो ये आ गया आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ टी, और टी क्या है आपके पास में, टी है रूट ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस सी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो यहाँ से जो है ये आंसर डायरेक्टली आ रहा है, अदरवाइज हम किसी और मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ रहा है।